गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज पावर क्लास ज्योग्राफी फंडामेंटल पार्ट 4। आज का हमारा टॉपिक होगा प्लैनेट। प्लैनेट या सोलर सिस्टम का एक पार्ट है या एक भाग है। हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है उन्हीं में से एक हमारे अर्थ भी है। अर्थ ही हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का मेन बेस है। तो ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम प्लैनेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जिससे कि हमें हमारे बेसिस को क्लियर करने में दिक्कत ना हो। प्लैनेट, जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं वो टोटल 8 हैं। 2006 से पहले ये 9 प्लैनेट हुआ करते थे, लेकिन इसमें प्लूटो को हटा दिया गया है। उसके जो रीजन्स होंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि प्लूटो को क्यों हटाया गया है। सबसे पहले हमारे सामने जो टॉपिक होगा प्लैनेट, प्लैनेट की जो डेफिनेशन होगी, प्लैनेट की डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि प्लैनेट डेफिनेशन के लिए यहाँ पर किसी भी प्लैनेट को या किसी भी पिंड को जो राउंडेड होता है उसको कंडीशन अप्लाई होती है उसके ऊपर, तभी जाके वो प्लैनेट कहलाता है। प्लैनेट पर इसमें फोर कंडीशन होती है। कितनी होती है? फोर। अब ये फोर कंडीशन कौन कौन सी होंगी वो मैं कुछ इस तरीके से बता देता हूँ, और यही डेफिनेशन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट के द्वारा दी जाती है या वहीं से ली गई है, वहीं से पढ़ाया मैंने भी इसके बारे में। क्योंकि वर्ल्ड लेवल की जो डेफिनेशंस होती हैं वो सभी जगह अप्लाई होती है, सभी जगह अप्लाई होती है। पहली कंडीशन होगी प्लैनेट की रिवोल्यूशनरी ऑफ द सन, रिवोल्यूशनरी ऑफ द सन, रिवोल्यूशनरी of the sun। रिवोल्यूशनरी ऑफ द सन क्या होता है कि सन सूर्य के चारों तरफ, जो सन होता है उसके चारों तरफ छोटे छोटे जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करने चाहिए, राउंडेड या रिवोल्यूशनरी करने चाहिए। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन ग्रेविटी पावर कंपलसरी होना चाहिए। कई प्लैनेट ऐसे होते हैं जिनमें या कुछ ऐसे सोलर सिस्टम में प्लैनेट बहुत सारे पाए गए होंगे जो ग्रेविटी पावर नहीं पाए जाते, इसलिए उनको प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। चौथी जो कंडीशन इसमें रखी गई है, फोर्थ नंबर की जो कंडीशन रखी गई है, देयर शुड बी नो लाइट, देयर शुड बी नो लाइट, देयर प्लैनेट होते हैं उनकी सेल्फ की लाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिपेंड होनी चाहिए किसी दूसरे पर।
किसी स्टार का। सन भी एक स्टार ही है, सोलर सिस्टम में सन को भी स्टार कहा गया है, लेकिन इसका जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। तो प्लैनेट की जो हमारी डेफिनेशन होगी वो इन चार कंडीशन पे डिपेंड। एक बार रिवाइज कर देता हूँ। पहली कंडीशन होगी रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट, सन के चारों तरफ हो उसको चक्कर लगाना अनिवार्य है या कंपलसरी है। सेकंड, रोटेटिंग ऑन द एक्सिस, अपनी एक्सिस पर, अपनी एक्सिस पर, मैं यहाँ अर्थ के बारे में लिख देता हूँ कि अर्थ अपनी एक्सिस पर क्या करती है, घूमती रहती है, रोटेटिंग ऑन द एक्सिस। थर्ड बताया है ग्रेविटी पावर इज कंपलसरी। जब प्लैनेट होंगे उनके पास उनका सेल्फ का या स्वयं का पावर और ग्रेविटी पावर होने चाहिए। फोर्थ यहाँ बताया है देयर शुड बी नो लाइफ, खुद की सेल्फ की लाइफ भी होनी चाहिए, किसी दूसरे स्टार पर या सन पर डिपेंड होना चाहिए। ये हमारी प्लैनेट की डेफिनेशन होगी। अब हम बात करेंगे अवर सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट पाए जाते हैं उनकी सिचुएशन क्या है और उनके नाम क्या है। 11th क्लास के सिलेबस में बताया गया है कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उनकी सिचुएशन बताई गई है और इन प्लैनेट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के रूप में से बताया गया है। इंटरनल जो होते हैं सन के पास के होते हैं, नियर बाय सन, और जो एक्सटर्नल होते हैं वो सन से डिस्टेंस फार होते हैं या दूर होते हैं, उनको बताया गया आगे आपको बताया जाएगा। प्लैनेट की आता है शटल। कौन सा आता है शटल? शटल की चारों तरफ बल
कहा जाता है नेपच्यून, कौन सा नेपच्यून, सॉरी स्पेलिंग हो सकता है गड़बड़ हो। इसके बाद में लास्ट जो प्लैनेट पाया गया है वो है, सॉरी ये यूरेनस है, कौन सा था यूरेनस, यूरेनस को अरुण भी कहा जाता है अरुण। इसके बाद में लास्ट है नेपच्यून, कौन सा है नेपच्यून, नेपच्यून को वरुण कहा जाता है। इस तरीके से ये हमारे आठ प्लैनेट की सिचुएशन बताई गई है सोलर सिस्टम में। वापस एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि ये आठ प्लैनेट की सिचुएशन कैसी है, डिस्टेंस बेस्ड है, और डिस्टेंस कुछ इस तरीके से बताई गई है कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक डबल हो जाती है। कितनी हो जाती है, डबल, एवरेज बता रहा हूँ, अबाउट एट डबल का मतलब याद रखने के हिसाब से होता है कि जो हाई लेवल की कोचिंग क्लासेज या कंपटीशन क्लासेज दी जाती है वहाँ पर ट्रिक्स दी जाते हैं कि डिस्टेंस को कैसे याद रखा जाता है। डिस्टेंस 11th क्लास के सब्जेक्ट में नहीं बताई गई है, इसलिए यहाँ पे बताना होगा, ठीक भी रहेगा। ऑफलाइन क्लास होगी फिर कभी, तब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट मरकरी, बुध के नाम से जानते हैं, सेकेंड वीनस शुक्र ग्रह, इसके बाद में थर्ड अर्थ जो पृथ्वी है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास लेने का मेन मॉरल मेरा यही था कि आपको इसकी ओरिजिनिटी कैसे हुई, ये हमारे सोलर सिस्टम इसकी